सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है आसियाना का सैम्पल फ्लैट जिसका साइज है 1205 स्क्वायर फीट का एरिया। जैसे कि आपने देखा एंट्री पे फोयर एरिया जिसका साइज है 7.2 बाई 5.5। ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, ठीक है, और लिविंग एरिया जिसका साइज बहुत ही डिसेंट दिया है कंपनी ने। जैसे कि आप इस सामने जो देख पा रहे हैं, ये है डेक एरिया जो कि मेरा फेवरेट एरिया है और मोस्टली क्लाइंट्स का भी फेवरेट एरिया है। इसका जो साइज़ है 10.4 बाय 11.3, जो कि एक रूम साइज़ का एरिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बरसात के अंदर पकौड़े इंजॉय कर सकते हैं, चाय इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रास लगा सकते हैं, पेड़ पौधे प्लांट वगैरह लगा के एक बहुत ही अच्छा सिटिंग एरिया बना सकते हैं, योगा स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ सबसे अच्छा एरिया है टाइम स्पेंड करने का, जो कि मेरा फेवरेट और मोस्टली क्लाइंट का फेवरेट है। इसी के वजह से काफ़ी अच्छी बुकिंग्स इस प्रोजेक्ट में हो रही है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया पे, ठीक है, जिसका कि साइज़ बहुत डिसेंट है। और जैसे कि आप लेफ्ट में जो आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा किचन जिसका साइज़ आ जाता है 7.3 बाय 12.11, जो कि बहुत अच्छा साइज़ है, लिटरली बहुत ही प्यारा साइज़ दे रखा है। प्लस जो सबसे अच्छा क्या है, इसके अंदर ही रसोई में ही आपको एक स्टोर रूम मिल जाता है जिसको आप एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ पूजा रूम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट इसके लेफ्ट में आएगा ये रहा, ठीक है, जिसका साइज़ आ जाता है 7.3 बाय 4.11। इसको आप एज अ स्टडी रूम भी बना सकते हो, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है, आप इसको एक छोटा सा ऑफिस बना सकते हैं, यहाँ पे आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। मेरे को ये रूम साइज़ मतलब जो ये स्पेस है स्टोर मिला है, ये बहुत अच्छा लगा। लिटरली आप इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं, वो आप देखना है, आपको देखना है आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, एज अ स्टोर यूज़ करते हैं, एज अ पूजा स्पेस यूज़ करते हैं या एज अ ऑफिस यूज़ करते हैं। सो वी आर बैक टू द लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया, ठीक है। ये आ जाता है हमारा लिविंग एंड डाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम विजिट करेंगे अपना रूम जो कि किड्स एरिया है, या हम कह सकते हैं किड्स रूम है, ठीक है, जो कि जस्ट राइट में आ जाता है। इसका जो साइज़ आ जाता है वो है 10 बाय 11.11, मीन्स 10 बाय 12 मान के चले आप, जो कि बहुत अच्छा साइज़ है। इसके अंदर ही वॉशरूम है, उसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, 10.4 बाय 5.1। इसके अंदर रनिंग बालकनी अटैच्ड है, ठीक है, बालकनी का भी साइज़ बहुत डिसेंट दे रखा है। ये आ जाता है वॉशरूम, वॉशरूम की जो साइज़ है वो बहुत डिसेंट है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इसके अंदर 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस डेक एरिया वो सोल्ड आउट हो चुका है। अभी जो बुकिंग चल रही है 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट प्लस डेक एंड 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट प्लस डेक की बुकिंग चल रही है। इसके अंदर ही लिमिटेड यूनिट्स बची हुई है 4 BHK में भी और 3 BHK में भी। अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से कॉल कर लेना, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल ही जाएगा, ठीक है। कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट वो आपका पड़ जाता है 97 लाख, डिस्काउंट करके आपका पड़ जाता है 88 लाख रुपीज़ का, ठीक है। बाकी फर्दर क्वेरीज़ के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे PDF मंगवा सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो आप ये बालकनी देख पा रहे हैं, ये है रनिंग बालकनी जो कि आपको इस रूम से भी अटैच्ड मिलती है प्लस मास्टर बेडरूम से भी अटैच्ड मिलती है। तो ये हमने एग्जिट ले लिया है किड्स रूम से, और जैसे ही आप लेफ्ट में देखेंगे इससे वॉल टू वॉल आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। जो इस रूम का साइज रहेगा वो रहेगा 14.8 बाय 11.5, ठीक है। इसका जो सबसे अच्छी बात है, जो ड्रेसिंग एरिया है उसका अलग एरिया है, ये जस्ट आपको रूम का साइज़ बताया है, और जो इसका ड्रेसिंग एरिया है उसका साइज़ है 5.11 बाय 7.3, ठीक है। ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया, और इसके साथ ही अटैच्ड बालकनी है जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि किड्स रूम से भी अटैच्ड करती है, जो कि अभी मैंने रिसेंटली आपको रूम दिखाया था। ये आ जाता है ड्रेसिंग एरिया, जो कि बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। ये आपको आप अपने अकॉर्डिंग वुडन वर्क यहाँ पे करा सकते हैं, कंपनी वुडन वर्क आपको नहीं देती है, ठीक है। लेफ्ट में ही आप वॉशरूम देख पाएंगे, इस वॉशरूम का साइज 8.5 बाय 5.5 है। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम जिसका हमने विजिट कर ली है। अब हम चलते हैं दूसरे रूम पर। ये आ जाता है हमारा तीसरा रूम जिसका साइज है 11.5 बाय
12.11 जो कि वॉल टू वॉल लगता हुआ है मास्टर बेडरूम के। ठीक है, इसी के साथ बालकनी आपको मिल जाती है 9.8/5 एंड वॉशरूम आपको मिल जाता है 7.10/5.7। जो वॉशरूम है वो लोबी से भी अटैच्ड है और इस रूम से भी अटैच्ड है। एंड लास्ट में मैं आपको बस थोड़ी सी डिटेल और देना चाहूँगा, काफ़ी बंदे होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर जो टोटल यूनिट्स है 1200 है। फेज़ 5 के अंदर ये प्रोजेक्ट टोटल लॉन्च होगा। अभी जो आप ये देख रहे हैं लॉन्चिंग, ये फेज़ 1 है जिसके अंदर टोटल यूनिट्स 224 है। टोटल ये 22 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिसका क्लब हाउस 32,000 स्क्वायर फीट के अंदर है। लर्निंग हब बन रहा है 6,000 स्क्वायर फीट के अंदर। ग्रीन एरिया रहेगा 6.7 एकड़ के अंदर जो कि बहुत मैसिव ग्रीन एरिया आपको मिल जाता है। ओपन एरिया 80%, स्ट्रीट प्लस 14 आपको मिल जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है लर्निंग हब दे रही है कंपनी। एक आपको सोसाइटी के अंदर ही आपको एक स्कूल मिलता है जो कि बच्चों के लिए होता है। काफ़ी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, नहीं सिखा सकते, तो काफ़ी बंदे क्या करते हैं फ़ोन दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं बच्चों को। तो इस प्रॉपर्टी में आपको फ़ोन लैपटॉप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक मिनी स्कूल मिलता है प्रॉपर्टी के अंदर ही। वहाँ पे आपको अगर आपके बच्चे को ड्राइंग पसंद है ड्राइंग सिखा सकते हैं, म्यूज़िक पसंद है म्यूज़िक सिखा सकते हैं, डांस क्लासेस सिखा सकते हैं। ठीक है, आपको लाइब्रेरी मिलेगी, बच्चे को प्लांटिंग करना सिखाया जाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। स्विमिंग पूल है बच्चों का, वहाँ पे स्विमिंग सिखाते हैं। एक्स वाई जेड जो भी एक एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के लिए वो आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। बच्चों पे फोकस किया गया है क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों पे फोकस नहीं हो पाता। वजह क्या है, फैमिली में सब वर्किंग है, फादर भी जॉब करते हैं मदर भी जॉब करती है, तो बच्चे को कहाँ पे टाइम मिलेगा। तो इसके इस पे मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने किड्स सेंट्रिक होम बनाया है। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका बच्चा एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेगा, ड्राइंग म्यूज़िक डांस, और आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। बस आपको लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट आप मुझे कॉल करें, एंड आप जब भी विजिट पे आएँ तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना सो डैट कि मेरी टीम आपको पूरी विजिट करा सके, आसपास के प्रोजेक्ट बता सके, पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।